तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बनके यहाँ पे रेडी हुए हैं। तो इनको बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं गुलाब जामुन को कैसे बनाया जाता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एल एस मान किचन में। तो जैसे कि आपको पता है, आज हम लेके हैं सूजी के गुलाब जामुन की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है जो हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, रेसिपी को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले गुलाब जामुन की चाशनी रेडी करनी होती है दोस्तों। तो चाशनी के लिए यहाँ पे मैंने यूज किया है लगभग 600 ml पानी, और 600 ml पानी के अंदर हम 700 ग्राम के करीब यहाँ पे चीनी ऐड करेंगे। तो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में चाशनी गुलाब जामुन के लिए बनाई जाती है, क्योंकि गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया से उसमें डूबने चाहिए, इसलिए थोड़ी सी चाशनी हम ज़्यादा बनाएंगे। तो 600 ml पानी में 700 ग्राम चीनी यहाँ पे डालनी है। तो जैसे ही चीनी बॉयल हो जाती है दोस्तों, इसके अंदर एक काम करना है कि चीनी हमारी क्रिस्टलाइज ना हो, मतलब वो भूरा चीनी ना बने, उसके लिए हमने यहाँ पर ऐड किया नींबू का रस। तो नींबू का रस ऐड करना है, लगभग 1 चम्मच यहाँ पे नींबू का रस ऐड कर दिया है। तो इससे आपकी चीनी है जो क्रिस्टलाइज नहीं होगी और वो सूखेगी नहीं। तो अभी इसको 1 मिनट के लिए बॉईल करना है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे तारवार वाली चाशनी हमने नहीं बनानी है, बिल्कुल चाशनी को यहाँ पे मतलब पतला ही रखना है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया से बॉयल आ चुका है। तो अभी हमारी चाशनी है जो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इस टाइम पे गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देना है, मतलब लो फ्लेम पे कर देना है, और एंड में थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पे केसर। तो थोड़ा सा केसर डाला है, और उसी के साथ फ्लेवर के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे डालेंगे इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर भी डाल दिया दोस्तों, और चाशनी बनके बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है। तो इस टाइम पे गैस को कर देना है बंद, और चाशनी को यहाँ पे एक तरफ रख देना है ठंडा होने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अभी हम गुलाब जामुन का डो रेडी करते हैं। तो डो रेडी करने के लिए यहाँ पे 500 ml मैंने बिल्कुल फुल क्रीम दूध यानी भैंस के दूध का यहाँ पे यूज किया है, और उसी दूध के अंदर यहाँ पे डालने 3 टेबलस्पून यहाँ पे देसी घी डालना है। तो दोस्तों गैस अभी बंद है, तो गैस को अभी ऑन नहीं करना है, गैस बिल्कुल बंद रखना है और बंद गैस में ही ये काम करना है। तो इनको अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों। तो हम यहाँ पे सूजी के गुलाब जामुन दोस्तों बनाने वाले हैं। तो सूजी के गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए सूजी। तो लगभग 1 कप यहाँ पे सूजी का यूज किया है, 1 कप मतलब 200 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा। तो बिल्कुल फाइन सूजी हमने यहाँ पे यूज करनी है, बिल्कुल बारीक सूजी। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो जो सूजी है उसको मिक्सर ग्राइंडर में बिल्कुल ग्राइंड करके उसको बारीक आप कर सकते हो। तो धीरे धीरे सारी की सारी सूजी इस तरीके से ऐड कर देनी है, और अच्छे से इनको मिक्स कर देना है, और गैस को इस टाइम पर बंद रखना है, और गैस को हम बाद में मतलब चालू करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे मिक्स हो चुका है। तो अभी फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इस टाइम पे इलायची पाउडर इसमें भी डाल देना है, ताकि अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। और इलायची पाउडर डालने के बाद यहाँ पे हम गैस को ऑन कर देंगे। तो अभी मैंने गैस को ऑन कर दिया है, जो कि मैं आपको दिखाना भूल गया, लेकिन मैंने गैस को इस टाइम पे ऑन कर दिया है। तो जैसे हम गैस को ऑन करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, लगभग 1 मिनट के अंदर ही ये थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा आपको लम्ब्स या गुठलियाँ थोड़ी थोड़ी आपको दिख रही होगी तो वीडियो के अंदर। तो ये थोड़ी देर बाद में ही, क्योंकि सूजी के अंदर जैसे ही कोई लिक्विड को डाला जाता है तो वो बहुत जल्दी फूलना शुरू हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे डो की तरह ये रेडी होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ी ही देर में 1 मिनट पकाने के बाद बिल्कुल यहाँ पे इसका टाइट डो बनके ये रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, लगभग यहाँ पे 2 मिनट हमने इसको पकाया है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे थिक, मतलब यहाँ पे बिल्कुल सूजी है जो थिक हो चुकी है, हमारा जो डो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अभी थोड़ा सा इसको पकाएंगे लगभग 1 मिनट के लिए, ताकि बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे ये मिक्स हो जाए, इसमें किसी भी तरीके का लम्स ना हो, और घी और सूजी और दूध जो आपस में बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे मिक्स हो जाने चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, डो अपना रेडी हो चुका है। तो इस टाइम पे क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारा डो है उसको एक प्लेट के अंदर यहाँ पे निकाल लेना है। तो प्लेट के अंदर निकालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए 3-4 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा करेंगे, ये काफ़ी गर्म है, ठंडा कर लेना है। तो देखिए ये ठंडा हो चुका है। तो ठंडा होने के बाद ये काफ़ी बहुत ही बढ़िया सा डो बन जाएगा। तो ये देखिए काफ़ी स्पंजी सा डो बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो कुछ ऐसा ही हमें चाहिए। अगर आपको डो थोड़ा सा पतला लग रहा है तो आप थोड़ा सा सूजी इसमें और ऐड कर दीजिएगा, या डो बहुत ज़्यादा टाइट है तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच इसमें दूध के डाल के मतलब इसको सेट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके का मतलब डो आपको चाहिए। तो बिल्कुल इसको अच्छे से अभी मसलना है 1-2 मिनट के लिए,
अच्छे से मसलने के बाद क्या करना है कि हम इसके जो गुलाब जामुन है बनाना शुरू करेंगे। मसलना इसको ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स या गुठलियाँ कोई भी बाकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको हमने पकाया नहीं है तो हो सकता है कई बार गुठली वगैरह कुछ रह जाता है, तो वो इसके अंदर मतलब ख़त्म हो जाएगा जब आप इसको अच्छे से मसल लोगे। तो ये देखिए दोस्तों, मसलने के बाद इसको एक तरफ रख देना है और अभी हम इसके गुलाब जामुन है जो बनाना शुरू करेंगे। तो पहले हम एक दो पीस इसके तोड़ के हम देखेंगे, तोड़ के हम बना के देखेंगे एक दो पीस की परफेक्ट तरीके से बन रहे हैं या नहीं, बहुत ज़्यादा ढीला तो नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है। अगर डो आपका टाइट होगा तो उसमें क्रैक पड़ेंगे, और ढीला होगा तो इसकी शेप सही नहीं आएगी, वो शेप बिगड़ेगी बार बार जब उसको नीचे रखोगे। तो ये देखिए बिल्कुल बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर शेप बन रही है बिल्कुल अच्छे से, तो हमारा डो बिल्कुल यहाँ पर मतलब बढ़िया से रेडी हो चुका है। तो अभी सारी की सारी लोइयाँ इस तरीके से बराबर मात्रा में तोड़ लेनी है और इनको अच्छे से शेप यहाँ पे दे देनी है गुलाब जामुन को। तो शेप किस तरीके से देनी है, इस तरीके से हाथ से बिल्कुल बढ़िया से जिस तरीके से लड्डू बनाते हैं उसी तरीके से इसको शेप दे देनी है, और शेप देते टाइम ध्यान रखना है कि कोई भी क्रैक इसमें नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल ये स्मूथ होना चाहिए, कोई भी क्रैक नहीं रहना चाहिए, अगर क्रैक रहेगा तो गुलाब जामुन जो ऑयल में जैसे ही जाएगा वो फट जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल सारे के सारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, तो लगभग 24 से 25 गुलाब जामुन यहाँ पे बन के रेडी हुए हैं। तो इस तरीके से इनको तेल में डालना है, और तेल का टेम्परेचर मतलब मीडियम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, गर्म थोड़ा सा तेल होना चाहिए, क्योंकि जो इनके ऊपर की लेयर है ना वो जल्दी सेट होनी जरूरी है, वरना क्या होगा कि गुलाब जामुन जो फट जाते हैं। तो थोड़ा सा तेल गर्म होना चाहिए, जैसे ही थोड़ा सा मतलब तेल में उबाल आ जाता है तो गैस को यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है और इनको धीरे धीरे यहाँ पे पकाना है। तो ये देखिए दोस्तों, अब इनको 1 मिनट तक इनको छेड़ना नहीं है, उसके बाद हल्के हाथ से बिल्कुल तेल को थोड़ा थोड़ा ना इस तरीके से तेल को हल्का हल्का स्टर करना है, मतलब गुलाब जामुन को छूना नहीं है अभी, और तेल को थोड़ा थोड़ा इस तरीके से स्टर करना है। तेल को जब हिलाएंगे तो साथ के साथ हमारे गुलाब जामुन है वो भी स्टर करेंगे। तो इनको इसी तरीके से 1 से 2 मिनट पकाना है दोस्तों, अगर गुलाब जामुन को छुआ तो वो टूट सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ऊपर की लेयर थोड़ी सी यहाँ पे गुलाब जामुन की सेट हो चुकी है, अभी ये अंदर से कच्चे हैं लेकिन ऊपर से ये पक चुके हैं, तो इनको अभी हम छू सकते हैं बिल्कुल, इनको सब स्पैचुला वगैरह इनके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से, तो ये देखिए दोस्तों, लगभग 3 से 4 मिनट पकाने के बाद कुछ इस तरीके के गुलाब जामुन का कलर है जो आ जाएगा, और ये बिल्कुल पक्के यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो अभी इनको डायरेक्टली हमने जो चाशनी के अंदर डालना है, तो चाशनी दोस्तों हल्की गर्म होनी चाहिए, चाशनी बहुत ज़्यादा भी गर्म ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडी भी ना हो, बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पे चाशनी होनी चाहिए, और चाशनी के अंदर इनको डायरेक्टली डालते रहना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बाकी के गुलाब जामुन भी हम यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं, तो लगभग 2 से 3 बैच में हम गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे, जो कि अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल बहुत ही बढ़िया से गोल्डन ब्राउन जैसे कलर आ जाता है, इनको तेल से निकाल के डायरेक्टली चाशनी में यहाँ पे डाल देना है। तो चाशनी में इस तरीके से डालते जाना है बिल्कुल बढ़िया से। तो ये देखिए दोस्तों, सारे के सारे गुलाब जामुन हमने यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं और इनको चाशनी में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, चाशनी में जब गुलाब जामुन को डालोगे तो चाशनी बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए। तो इनको अभी चाशनी में डुबोकर 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है, और इनको अच्छे से बढ़िया से छोड़ देना है। तो ये देखिए दोस्तों, 2 से 3 घंटे के बाद चाशनी को यहाँ पे निकाल के देखा है गुलाब जामुन को, तो बहुत ही बढ़िया से परफेक्ट गुलाब जामुन यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो इस रक्षाबंधन पे आप इनको बना के जरूर देखिए दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आपको, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, और सूजी के गुलाब जामुन दोस्तों खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों रेसिपी पसंद आई होगी, अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए भाई, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।